एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा की छाव पाए, हम हर जन्म में तेरी कृपा की छाव पाए। तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए, तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए, तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताएं। तेरे दर पे जब से आया, तेरे दर पे जब से आया, सब अच्छा हो रहा है। तेरे दर पे जब से आया सब अच्छा हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बनकर तेरे चरणों का भिखारी, आता है जो भी बनकर तेरे चरणों का भिखारी, चढ़ती है बहुत जल्दी
तेरे नाम की खुमारी चढ़ती है बहुत जल्दी, तेरे नाम की खुमारी चढ़ती है बहुत जल्दी, तेरे नाम की खुमारी। तेरी रहमतों का चर्चा, तेरी रहमतों का चर्चा हर घर में हो रहा है, तेरी रहमतों का चर्चा हर घर में हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब तेरी दया है, मैं जो भी हूँ गुरुजी सब तेरी ही दया है। भर भर के दी है दातें पर कुछ नहीं लिया है, भर भर के दी है दातें पर कुछ नहीं लिया है, भर भर के दी है दातें पर कुछ नहीं लिया है। हंसता हुआ जाएगा, हंसता हुआ जाएगा जो मायूस हो रहा है, हंसता हुआ जाएगा जो मायूस हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम सब काम हो रहा है। सतगुर अपने सुनी अरदास, सतगुर अपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास, कारज आया सगला रास। सतगुर अपने सुनी अरदास, सतगुर अपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास, कारज आया सगला रास। सतगुर अपने सुनी अरदास, सतगुर अपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास, कारज आया सगला रास।
मन तन अंतर प्रभु ते आया, मन तन अंतर प्रभु ते आया, मन तन अंतर प्रभु ते आया, मन तन अंतर प्रभु ते आया। गुरपुरे डर सगल चुकाया, गुरपुरे डर सगल चुकाया, गुरपुरे डर सगल चुकाया, गुरपुरे डर सगल चुकाया। सतगुर आपने सुनी अरदास, सतगुर आपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास, सगला रास कारज आया, सगला रास सतगुर आपने सुनी अरदास, सतगुर आपने सुनी अरदास कारज सगला रास, कारज आया सगला सब ते वट समरथ गुरुदेव, सब ते वट समरथ गुरुदेव, सब ते वट समरथ गुरुदेव, सब ते वट सबते वट समरथ गुरुदेव, आ सबते वट समरथ गुरुदेव, सबते वट्टा सतगुर नानक, सबते वट्टा सबते वट्टा सतगुर नानक, 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 सबते वट्टा सबते वड्डा, सबते वड्डा सबते वड समरथ गुरुदेव, सबते वड समरथ गुरुदेव, सब सुख पाए तिसकी सेव, सब सुख पाए तिसकी सेव, सतगुर आपने सुनी अरदास, सतगुर आपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास,
सतगुर आपने सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास कारज जाका किया सब कुछ होए जाका किया सब कुछ होए तिस कामर न मिटे को परमेश्वर अनूप परमेश्वर अनूप सफल मूरत गुर तिसका रूप सफल मूरत गुर तिसका रूप सतगुर आप अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास कारज आया सगला दास कारज आया सगला रास सतगुर आप अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास कारज सगला रास सगला रास कारज सगला रास जाके अंतर बसे हर नाम जाके अंतर बसे हर नाम जाके अंतर बसे हर नाम जाके अंतर बसे हर नाम
बसे हर राम राम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जाके बसे हर नाम बसे हर नाम जो जो पे के सुब्रह्म ज्ञान जो जो पे के सुब्रह्म ज्ञान बीस विश्वे जाके मन पर गास बीस विश्वे जाके मन पर गास तीस जन के पास ब्रह्म का निवास तीस जन के पास ब्रह्म का निवास सतगुर अपने सुनी अरदास सतगुरु आपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास कारज आया सगला रास सतगुरु आपने सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास कारज आया सगला रास तीस जन के पास ब्रह्म का निवास तीस जन के पास ब्रह्म का निवास तीस गुरु को सद करी नमस्कार तीस गुरु को सद सद जाओ बलहार तिस गुर को सद जाओ बलहार सतगुर के चरण तोय तोय पीवा सतगुर के चरण तोय तोय पीवा गुर नानक जप जप सच जीवा गुरु नानक जप जप सच जीवा सतगुर आपने सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास कारज आया सगला कारज आया सगला रास प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक छेवें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी के समय की घटना आज का दिन बंदी छोड़ दिवस
यह इतिहास थोड़ा पीछे से शुरू करना पड़ेगा। अकबर बादशाह ने अपनी सल्तनत बढ़ानी शुरू की साथ संगत जी। उस समय में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, किसी के पास 20 गांव, 15 गांव, 10 गांव, 3 गांव ऐसे राजा भी हुआ करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए अकबर बादशाह ने 52 राजाओं को हराकर, उनके राज्य उनसे छीन कर ग्वालियर के किले में नजर बंद कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अकबर बादशाह खुद मर गया, चढ़ाई कर गया। उसके बाद आए जहांगीर बादशाह। अब इतना समय हो गया है, राजे महाराजे अंदर नजर बंद हैं, सख्त सजाएं दी जा रही हैं उन्हें। उस किले का जो कोतवाल है वो इतना निर्दयी, इतिहास में लिखा है ऐसे ऐसे तसीहे दिए जा रहे हैं राजाओं को, जो कभी राजा थे परिवार कहां गए पता नहीं। ध्यान देना साथ संगत, ऐसे ऐसे तसीहे लिखे हैं कि पढ़कर मन कांप जाता है कि कभी कभी खाने के लिए कुछ देना और उसमें भी रेत मिलाकर देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि बीमार पड़ जाए रेत मिलाकर खाने में, पूरा दिन चक्की पिसवाना, अगर पीने के लिए पानी देना तो वो भी नमक मिला हुआ ताकि हड्डियां गल जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 52 राजाओं को बैठने नहीं दिया जाता था, उनकी बाहों के आगे एक पिलर, एक खंबे के साथ उनकी बाहें बांधकर उन्हें खड़ा रखा जाता था कई साल साथ संगत। कई बीमार पड़ गए, कई कुछ हो गया। राजे हैं जो कभी राजे थे, भिखारी थे राज करावे, राजा थे भिखारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं डर कर रहना चाहिए, डर कर, क्योंकि राज में आदमी गलत काम करता है और भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई महाराजा बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये राजा तड़प रहे हैं दर्द से, पीड़ा से, परेशान हैं, मन जल रहे हैं, पुकार कर रहे हैं निरंकार से कि बख्श दे, बचा ले हमें इस जुल्म से। ये पुकार कहां पहुंची? सतगुरु अपने सुनी अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुकार पहुंची छेवें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी के चरणों में। विध बनाई निरंकार ने। गुरु हरगोविंद साहिब जी का प्रताप इतना ज्यादा था साथ संगत जी कि कई उस समय के बादशाह राजे गुरु हरगोविंद साहिब जी के आसपास खड़े रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि उनके दर्शन करके मन नहीं भरता था, ऐसी शख्सियत गुरु हरगोविंद साहिब जी। गुरु घर के निंदक हमेशा से रहे हैं, उन निंदकों से यह सहन नहीं होता था गुरु साहिब जी की इतनी बड़ाई देखकर। उन्होंने जहांगीर बादशाह के जो सलाहकार रहते हैं उन्हें सोने की मोहरे दिए और कहा कि जहांगीर बादशाह के कान भरो कि तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जब बादशाह पूछे मेरे बुरे दिन जो आने वाले हैं, मुश्किल समय आने वाले हैं मुझ पर, मैं जो बीमार पड़ने वाला हूं कैसे टल सकता है, तो कह देना कोई पूर्ण महापुरुष नाम जपने वाला 40 दिन एक जगह पर बैठकर नाम जपेगा आपके लिए तो ये बुरे दिन टल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चाल थी गुरु हरगोविंद साहिब जी को फंसाने की। जब बादशाह के कान भरे गए बादशाह डर गया, कहने लगा क्या करूं, तो सलाहकारों ने कहा एक पूर्ण महापुरुष हो जो एक जगह पर बैठकर आपके लिए नाम जपे अरदास करे आप बच जाओगे। तो बादशाह कहने लगा ऐसा कौन है? सलाहकारों ने कहा छेवें गुरु नानक के सिवाय कौन हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह जहांगीर ने हाथ जोड़कर हरगोविंद साहिब जी को बेनती की कि मेरे लिए आप 40 दिन ग्वालियर के किले में रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सलाहकार जानते थे जिन्होंने चाल चली थी कि बादशाह की सल्तनत इतनी बड़ी है,
40 दिनों बाद इसे तो याद भी नहीं रहेगा कि गुरु हरगोविंद साहब जी ग्वालियर के किले में हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। पर ये बित तो बनाई थी निरंकार ने, पुकार सुनी गई थी राजाओं की। गुरु हरगोविंद साहब जी मुस्कुराते हुए उस किले के अंदर दाखिल हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है जैसे ही चरण किले के अंदर रखे, वो जो राजा दर्द से तड़प रहे थे उनके दर्द शांत हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा शांत हो गई, मन शांत हो गए, दर्शन करके निहाल हो गए। और वो जो कोतवाल निर्दयी था गुरु हरगोविंद साहब जी का भक्त बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी ने उसे समझाया कि तू जो इनके साथ कर रहा है अगर तसीहे देगा निरंकार तुझे तसीहे देगा। जैसा व्यवहार तू इनके साथ करेगा वैसा व्यवहार तेरे साथ भी होगा। कोतवाल डर गया। राजाओं को अच्छा अच्छा खाना मिलने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज सुबह कीर्तन होता, कड़ा प्रसाद की देख बढ़ती, राजाओं को कड़ा प्रसाद खाने के लिए मिलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वर्ग बन गई वो जेल 6वें गुरु नानक पातशाह के वहां पहुंचने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पड़े। सतगुर अपने सुनी अरदास, सतगुर अपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास, कारज आया सगला रास। सतगुर अपने सुनी अरदास, सतगुर अपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास, कारज आया सगला रास। अब 40 दिन बीत गए साथ संगत जी, पर जहांगीर बादशाह को याद ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सिख संगत परेशान है कि क्या करें। अब यहां पर क्या हो रहा है, रोज बादशाह की छाती पर कोई आकर बैठ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जहांगीर को पीटता है, जहांगीर अपने पहरेदारों को बुलाता है कि देखो मुझे कोई पीट रहा है, पहरेदारों को कोई दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिल्लाता है, डर डर के बीमार पड़ गया, अत का बीमार हो गया, ठीक होने का नाम नहीं ले, पर इसे याद नहीं कि इससे भूल क्या हुई है। सारी सिख संगत पहुंची साईं मियां मीर के पास। पहुंचो वे फकीर पीर जो गुरु हरगोविंद साहब जी के मुरीद थे। जब साईं मियां मीर को इस बात का पता चला फौरन दिल्ली पहुंचा। जहांगीर बादशाह भी मियां मीर का भक्त था, मुरीद था। बुलाया, पूछा कि मेरा हाल ऐसा क्यों है। साईं मियां मीर ने कहा तूने बहुत बड़ा पाप किया है, 6वें गुरु नानक की जोत तूने ग्वालियर के किले में कैद करके रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह घबराया, याद आया, माफी मांगी, कहने लगा अभी के अभी छुड़वा देता हूं। संदेशा भिजवाया, पालकी भिजवाई के गुरु हरगोविंद साहब जी को सत्कार से दिल्ली लेकर आओ दरबार में। जब राजाओं को पता चला, राजाओं ने गुरु हरगोविंद साहब जी के चरण पकड़ लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि हमें छोड़कर मत जाओ, हमारा बहुत बुरा हाल था, आपके आने से हम सुखी हैं। तो गुरु हरगोविंद साहब जी ने उनकी अरदास सुनी और संदेशा भिजवा दिया, हम अकेले बाहर नहीं आएंगे, हमारे साथ सारे राजाओं को भी आजाद करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जहांगीर बादशाह ने एक शर्त रख दी कि आपके कुर्ते का जो कली होती है, जो किनारा होता है, जो कोई भी उसे पकड़ के जितने लोग बाहर आ सकें वो आ जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी ने उस वक्त 52 कवियों वाला 52 कलियों वाला एक कुर्ता सिलवाया।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक एक कली को पकड़कर एक एक राजा 52 राजा उस किले से बाहर आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु हरगोविंद साहब जी दिल्ली नहीं गए, कहां पहुंचे? सीधा हरमंदर साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस दिन सिखों ने वहां पे दिए जलाए कि 6वें गुरु नानक आए, तो हमारे लिए तो डबल खुशी का दिन हो गया। आज बंदी छोड़ दिवस भी है और राम जी ने अयोध्या में वापस लौटे रावण को मारकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंदी छोड़ दिवस, बंद खलासी, कहो नानक गुर बंधन काटे, बिछड़त आन मिलाया। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन दास फिर से बता दे। बाबा जी वचन किया करते थे, जो दिन होता है ना उस दिन में वो शक्ति वर्तती है। बाबा जी तो यहां तक कहा करते थे कि कोई कीर्तन या कीर्तन कर रहा हो और जिस प्रकार की कथा कर रहा हो, मानो के बख्शाने की कथा कर रहा है, तो वो शक्ति वर्त जाती है, कला वर्त जाती है। और जो हृदय से अरदास कर देता है उस दिन बख्श दिया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज बंदी छोड़ दिवस है, गुरु नानक के चरणों में अरदास करें कि हमारे भी बंदी छोड़ कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें भी जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा ले, ये हमारा आखिरी बार हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि दुखों का मूल कारण ही ये जन्म है। गुरु नानक पातशाह ने समझाया था, कुछ दिन पहले हमने ये प्रकरण लिया था। गुरु नानक पातशाह ने समझाया था दुखों का मूल कारण यह जन्म है, जन्म है तो मृत्यु होगी ही होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सब मिलकर अरदास करें। सतगुर आपने सुनी अरदास, सतगुर आपने सुनी अरदास, कारज सगला रास, कारज आया मन तन अंतर प्रभु ते आया, मन तन अंतर प्रभु ते आया, गुर पूरे डर सगल चुका, सतगुर आपने सुनी अरदास, सतगुर आपने सुनी अरदास, कारज सगला रास, कारज सगला रास, सतगुर आप सुनी अरदास, सतगुर आपने सुनी अरदास, कारज सगला रास, कारज अरदास सगला रास, कारज सगला सतगुर आपने सुनी अरदास, संगत सतगुर, सतगुर आपने
सुनी अरदास सतगुरु। कारज आया सगला रास, कारज आया सगला रास, कारज रास। दातिया तेरा शुक्र मनावा मैं, ओ तेरा शुक्र मनावा मैं। दातिया दातिया मालिका दातिया मालिका।
शुक्र मनावा मैं, ओ तेरा शुक्र मनावा मैं। दातिया दातिया मालिका मालिका संग तेरा माने बधाना दुख विच सिमरण सुख विच शुकराना सब संग तेरा माने बधाना बताना दातिया दातिया मालिका मालिका तेरा शुक्र मनावा मैं, ओ तेरा शुक्र मनावा मैं, तेरा शुक्र मनावा मैं, तेरा शुक्र मनावा मैं, तेरा दिता ही खावा मैं, ओ तेरा दिता ही खावा मैं, गुरु जी तेरा शुक्र मनावा मैं, गुरु जी तेरा शुक्र मनावा मैं, गुरु जी तेरा शुक्र मनावा, शुक्र मनावा, शुक्र मनावा मैं, मनावा मैं। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
वृषभ वाहन साजे ओम जय शिव
Thank you.